चाचा कोई अकल नु हाथ मारो, घर मरद तो वधे कोई नहीं, तो तू छोरे नु रुसा के ले ही जांदा है, उंदे घर वाले नु आवन दे, ओ अगला जावन दे सी ते ले जावी, जे ना जावन दितो सो ते मेरा पियो ओन दी मर्जी है, साडा इंदे च कोई नहीं। चाचा नादिया सही पई आंदी है, जिस तरीके तू सा लाए के वेंदे पे, इस तरीके ते लड़ाई बाद वजनी है। मेरी गल सुनो, तुसी दोए ठीक पे आंदी हो, पर धी मेरी है, समझ गयो ना? धी तुहाडी है चाचा, तुसा ता वड्डे बंदे है, बुजुर्ग है, तुसा ता समझाओ आ धी नु, तुसा ता थू लमण आ गए हो। हां मैं धी नु समझावा, तुसी अपने भरा नु ना समझाओ, मार मार के उदी लत बन छड़ी, पैर बन छड़या सो उसदा। चाचा लड़ाइयां होंदियां रह वेंदियां घरां च, ए छोटी छोटी गल नु वेखी रखो ते वत घर इंज नहीं बसदे। ओ बीबी लड़ाइयां होंदियां ने, लेकिन इस तरह नहीं होने के कातलां ना हमले करो, हां लतां बनो, बाहां बनो, ए कोई तरीका है? कड़ी चीज की कमी दिती उसने, मैं आ जांदा हर दूसरे दिन, मैं कारोबार करना, मैं लख रुपया दियो, मैं कारोबार घाटा पै गया, लख रुपया होर दियो, मैं बोलना इस तो नहीं है कि चलो उसके घर मेरी धी है, मेरी धी सुखी रहे, ऐ सुख दे तन मेरी धी नू। बीबी मैं बिल्कुल अपनी धी नू इत्थे नहीं रखना। दिमशा चाचा मर्दा नु आ लैन दे, ओ आके साडे बक्की पा जासन भाई, तू सा जावन क्यों दित्ता रिमशा नु? चंगा चंगा बक्की पाऊ ना, तोडियां भी लता बावा भनन तोन पता लगे। रिमशा उत्तर मेरा पियो दो हाथा नाल ताड़ी वजदी है, एक हाथ को जी नहीं कर सकदा। चाचा कोई सोच ला, सोच ला। सोच लिया मैं, बहुत कुछ सोचता। की सोच लिया चाचा, तू साडी कोई गल मनेंदा ही नहीं पयो, सोच लिया के मैं किवें मान लवां गल तोडी? ਉਹ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਉਹਦੀ। ਬਹਿ ਬਿਰਤਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਥਾ ਆਵੇ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਰਿਮਸ਼ਾ ਘਰ ਵਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਓ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਜਾਵੇ ਰਿਮਸ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ। ਬਸ ਬਸ ਕਰੋ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੁੜੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ। अच्छा चाचा इंतजार कर लो, आवेंदे ओ अपने हाथा नाल गाल छुड़े से मिले शक लई बनया है। बड़ा इंतजार कीता मैं, 2 साल इंतजार कीता, 2 साल जितना जुल्म मेरी दीत है, कोई और होंदा ना ते तोड़े ब्रा नु वट टोके दरिया छोड़ देंदा, मैं ही हां शरीफ आदमी हां। चाचा साडी मान जा, ओनु ना वेख, तू साडी मान जा, सी भी तेरियां दियां देणियां है। ओ तोड़ी मनी सी ना, तुसी दोए गईयां से रिश्ता मांगण, ते मैं इनकार नहीं सी कीता, मैं कह चल ए मेरियां दियां ने। चंगी मेरा प्यो लाज रखी बैठे दियां दी, दम्मी दी असी यही 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 कर दिया पईयां, पर तू टस तू मस न होया, ए लड़ाइयां तू तलाका ते गल आ जांदी है, ते तेरी मेहरबानी अपनी धी दा अपने हत्थी घर ना खराब करो, ते ना ही साडे भिरा दा। ओ बीबी बीबी मैं बड़ा सोच समझ के धी दा रिश्ता कीता सी कि अच्छा घर है, मेरी धी उत्थे खुश रहेगी, ए खुशी दीती ने उसा, ए देखो चाचा अल्लाह दा ना ही कितनियां मिंता कीती खलोतियां, पर तेरे ज़हन च साडी कोई बंदी ही नहीं पई। रिमशा मेरी बहन प्यो नु तू समझा, ते ऐ मेरे जुड़े हत्थां नु वेख ला, बिरा साडे दा ते तैनू पता ही है, ओनू जदों ए पता लगना है ना कि तू रोस के वाग गई है, ते ओ की पता तैनू तलाक दे चढ़े, ते सानू भी उस डाह ढेरी करना है, बई तुसी अन्नियां है, तुसी ओनू क्यों रोस के जावन दिता, ते क्यों गई है घरों बार, मेरी बहनो घर आलमदा ही ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੇ ਮੋੜ ਵਾਗ ਜਾਵੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਜਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗੁੱਡੂ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੱਕ ਰਸਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਆਵਾਂਗੀ, ਤੇ 4 ਦਿਨ ਰਵਾਂਗੀ ਵੀ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਆਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਮੱਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰੋਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੋਲੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਡਾਂਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਲੂਲੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ, ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਦਬਕਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਠ ਉੱਠ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋ, ਉਹ ਜਾਓ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦੋ।
जाओ सारा अमरूद खराब कर दिया ने पिया जाओ। अच्छा भाई ठीक है बैठो बैठो बच्चे आराम। चंगा होया गुड्डू तू आ गया। मैं आया था मैं क्या रिमशा नू ला जावा घर को जना वास्ते। पैर उसका खराब होया तो कोई टीका दवाई मैं करा कोई पट्टी शट्टी बदलावा। इसका पैर ठीक हो गया ना तो मैं तेन टेलीफोन कर दांगा तू इन आके ले आई। वाह चाचा वाह बरादरी च चंगा नक वडाएगा साडा हैं। लोग आखणगे कि दारू दूरू नहीं करा सके पट्टी शट्टी नहीं करा सकिया गुड्डू है तो तुसी अपने घर लै गए हो। जरा एदा मैं दारू दरूद करा लवा फिर तुसी लै जाना। जरा चंगी तो हो जाए टुरन जोगी तो हो जाए मैं बरादरी च की मुकब दिखावगा तेन मैं ठीक करा लवा फिर तुसी लै जाना। तो वैसे अगर जाना मिलन वास्ते तो ठीक होएगी तो मिलन वास्ते जाए ना इस तरह मैं नहीं जान देन लगा। वाह 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 वैसे तकरीर तू बहुत अच्छी करना है तेन चाहिए तू सियासत च हिस्सा लै तेरे ड्रामे नहीं मुकते ड्रामे बाजा तू की समझना मैं कोई पता नहीं मैं कोई होश नहीं। कुछ शर्म कर कुछ हया कर कि चीज तक नहीं दिती हर तीसरे दिन तू चला जाना मैं पैसे दो पैसे दो पैसे दो ओ पैसा 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 ओ कितना एक पैसा तेन चाहिए हिसाब की तई कदे गिनती आती है पता लगी हूं तक कितने पैसे तक मैं दे चुके सिर्फ है धी की खातर। बस बस चाचा जी बस बस कर दियो जदों भी तुहाड़े मूँह च आंदा तो जदों भी कोई गल आंदी है तुसी सिर्फ यही आंदे हो मैं पैसे दिते ने मैं पैसे दिते ने तू निकम्मा है तू नकारा है तू किसे जोगा नहीं तू कुछ भी नहीं करता ना, बस यही कह सकते हो ना तुसी ते पहले नहीं पता सी तुहानू कि मैं नकारा वा या कम वाला वा दे रहे हो तो एहसान नहीं कर रहे हो। तुहाड़ी धी नाल विआह भी किया मैं विआह करके मेरे ते कोई एहसान नहीं किया समझ गया ना उस वेले ते बड़े जिरगे करदा सी प्यो तेरा चला दा वास्ता ही बिरावा मेरे पुत्र ने धी दे दे ते मैं तरस खा के दे दी। तरस लंगड़ा लूला नहीं सा मैं के तरस खा के दीती है। मैं भी शीर जिड़ा जवान हाँ सोना वा सुनखा वा ए ना लभदी तो पता नहीं कोई और लभ जांदी। हा 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 ए ना लभदी तो कोई होर लभ जांदी ठीक है सी वर्गा जवान है सा पर तेरी च गैरत नहीं है। गैरत गैरत होवे ना तेरे ते कोई कम कारोबार करे मेरा पैसा किसी कम ते लावे कम ते लाया कम ते लाया ते काम च नफा नुकसान होता रहता है कोई वड्डी गल नहीं है। तैनू ही नुकसान होता है दुनिया नू नहीं होता नुकसान। मैं अपनी धी नू ला के चलिया ते तू कुछ कर सकना ना ते कर ले उठ पुत्र उठ। बस रिमशा एक गल मेरी याद रखी जे इस कार तो कदम तू एक भी बाहर रखिया ना ते मैं तेनू तलाक दे दांगा। गुड्डू तलाक देनी हो तो होनी दे मैं भी नहीं वसानी मैनु भी कोई शौक नहीं तेरे वर्गे बेगैरत नाल अपनी धी नू वसाण दी। उठ पुत्र चलिए उठ मेरी धी। रिमशा एक कदम भी अगे वधाया ते सौ रब दी मैं तेनू तलाक दे दवांगा ही। तलाक दे दवांगा ओ दे ना तलाक चल पुत्र चल चलिए। सोच लई आखरी दफा मैं कह रही तेरा एक कदम भी अगे वध्या ते मैं तलाक दे दांगा। मैं नहीं है वेखन लगा कि तेरा प्यो तेरे सामने वे या कोई भी है फिर सारी जिंदगी आस्ते तेरे मत्थे ते तलाक याफ्ता लिखिया रहेगा तलाक याफ्ता। अबू जी तुसी एक मिनट बैठ जाओ ना दो गल्ला मेरी भी सुन लियो फिर जिवें तुसी कहोगे मैं कर लावांगी। एक मिनट बहुत है सही तुसी मेरी भी कोई सुन लियो मैं जा ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ
कि तुसी मेरे प्यो तुसी मैनू पालिया सांभिया इन्ना वड्डा कीता जवान कीता मैं तुहाडे अगे नहीं बोली मैं तुहाडी बेअदबी नहीं कीती लेकिन वह भी मेरा घर वाला है मेरे मजाजी खुदा है ओदी भी मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती एक तरफ मेरी जन्नत है ते एक तरफ मेरा मजाजी खुदा है मैं किवें बोला तुहाडी अगे किवें बोला ओदे अगे हुण जिहड़ी मेरी किस्मत है ना जिहड़ा मैं जिस हाल च भी हाँ मैनूं छोड़ दिओ मैं आपे निभा लवांगी हुण तुसीं मेरे वास्ते परेशान ना हो दिया मेरे कोल वो बो नहीं तो आड़ी बेअदबी भी हो जानी है तुसी सिरांदी आके बहो मैं उत्थे बैठ जाऊंगी रिमशा आज मेरियां दो गल्लां दा जवाब दे जी पूछो पहली गल तो यह वे कि ये औरतां इन्नियां मक्कार क्यों दियां तेरा प्यो तेरे सामने मैनू पता नहीं कमीना बगैरत पता नहीं की कह गया तू चुप करके सुनदी रही है तू उन्हें कुछ भी नहीं किया मैं देख रहा सा मैं तेरे मुँह ते बार बार देख रहा सा कि शायद हुण तू बोले हुण तू बोले हुण तू बोले पर नहीं तू नहीं बोली तू अपने खावन की बेइज्जती होंदिया देखती रही है पता नहीं दिल च तू शायद खुश हो रही सें कि मेरे खावन की बेइज्जती मेरा प्यो कर रहा है ते होर मैं की कर दी प्यो दे हत्थी पै जांदी उन्हां नूं मारन लग जांदी मैं वाह ओ प्यो सी ते मैं जिहड़ा जा रहा सी प्यो ते कह रहा सी मेरा मजाजी खुदा है मैं उन्हें भी कुछ नहीं कह सकती अब्बा जी तो तुसी जन्नत हो मैं तुहानू भी कुछ नहीं कह सकती वाह सही कहंदे ने लोग कि औरतां मक्कार हुंदियां ने मक्कार तू मक्कार औरत है दूसरे मेरे सवाल दा जवाब दे दूसरा मेरा सवाल ये वे कि सिर्फ तेरा प्यो ही कटिया इंसान है या तुहाडा पूरा खानदान ही कटिया है पर मैनू तो लगता है कि तेरा प्यो नहीं तुहाडा सारा खानदान ही बेगैरतां दा खानदान है बस करो बस करो बस करो मेरे कान पड़दे पए ने बस कर दियो मेरे प्यो नूं कुछ ना आखो तुसी जेड़ी भी तोहमत लानी है मेरे ते ला दियो मैनू कह दियो मैं बेगैरत हां मैनू कह दियो मैं गिरी होई हां जेड़ा कुछ भी कहना मैनू कहो प्यो नू कुछ ना आखां कमीना कटिया बेगैरत अगर एदे नालो कोई उत्ते ओदा है वे ते दस बस मैं कह रही हां बस कर दियो वाह वाह भाई वाह ते ओ आया ते ती भी शेरनी बन गई है मेरे अगे हाथ चुकन लगी सें हैं प्यो तेरा की पढ़ा के गया तेनू के मर्द दे अगे हाथ चुकी मार अल मार मार तू पागल तो नहीं हो मार मैनू तेरा प्यो यही कह के गया होएगा ना कि अपने खावद नू नीचा दिखा ओनू पैरां दे हेठ दस मार अल मार 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 मैनू यही वेखना चाहती सें ना तेरा प्यो एक तेनू पढ़ा के क्या होएगा कि तू अपने खामद नू मिट्टी हेठ वेख जुत्ती दे थल्ले ला जा जा के ते अपने प्यो नू दस के मैं अपने बंदे दे मुंह ते चपेड़ा मारियां ने चपेड़ा जा जा दस
खुश हो जाएगा तेरा भी प्यो, खुश हो जाएगा कि मेरी धी ने बड़ा नेकी दा काम कीता। हाँ, नेकी दा काम कीता। मेनू माफ कर दे गुड्डू, मेरा प्यो मेनू कुछ भी गलत नहीं आख के गया। अगर मेरी गल करन नाल तेरा दिल दुखिया ना, पूरा अगले दिन तू ओदा पैर बन चढ़िया ते अज ओनू जानू मारदा पिया। अगर तू इहदे तों डेरी जलील ते तंग है ना, तैनू तलाक दे दे, तलाक दे दे नू। दे दे सा मैनू तलाक। इहने पता की कीता, इहदा प्यो आया सी इत्थे, प्यो भी जलील करके गया, मैनू बेगैरत कह के गया, वेला निकम्मा नखटू कह के गया, ते ए भौंए कुत्ता ए चुप करके सुणदी रही है। प्यो गया ते इहने मैनू मेरे ते हाथ चुकिया है, मेरे ते हाथ चुकिया ने मेरे ते। भाई बस कर दियो, थानू खुदा दा वास्ता है की नवा चंद चढ़ाऊ, साडे पल्ले की रह गया अगे। नवा चंद ते हुण चढ़ के रह सी, तू ने दिहाड़ी ओनू मारदा है, कुटदा है, ओंदे ते जुलम करदा है, हुण ते बस कर जा, रब दा वास्ता ही बस कर जा। बस कर देंगा हुण मैं, तेरे प्यो नू अपनी दौलत ते बड़ा मान है ना, बड़ा मान है कि मेरे को बड़ी दौलत है, मैं तेनू बड़ी दौलत दिती है। जा जा प्यो कोल, प्यो कोल जा के ते 5 लाख रुपया लेके आ, मैं जिमी लवांगा ते जिमीदार बनांगा, हुण मैं भी कारोबार करांगा, ते जे 5 लाख रुपया लेके तू ना आई ते इस घर अल मुंह ना करी, मैं तेरे घर आके तेनू तलाक दे के जावांगा। नहीं गुड्डू जा, सानू नहीं पता थोड़े दो मामला थोड़ा दोवां दा, लेकिन असि इतना जरूर आख सकदी आ क्योंकि असि भैणा है, तेनू भी समझाइंदियां है, ओनू भी समझाइंदियां है, लेकिन साडे समझावण दे बावजूद तू साडा बिरा साडी कोई गल नू मंदा, कोई गल नू। बस बस, इस तो पहला कि मैं तुहाडे वास्ते भी गुड्डू बन जावां, चल रिमशा जा अपने प्यो कोलों 5 लाख रुपया लैके आ, मैं जिमी लवांगा, जिमीदार बनांगा, ते जे 5 लाख ना लैके आई ते इस दरवाजे अल रुख ना करी, चली जा। चुप चुप, चल जा। जामे ना कर सीधी होके तुर, किन्ना को पैसे आते पे हो भाई रिमशा। अबू जी, रिमशा, रिद्धि तू रो रही है? अबू जी आज मैं तुहाडे कोलो कुछ मंगण आई हां। बेटा तू मेरी जान से मांग, तेरे वास्ते तो मेरी जान भी हाजिर है। अबू जी मैंने 5 लाख चाहिए। 5 लाख? बेटा जिमिया बाड़िया डोर डंगर किड्डे ने, बेटा तेरे ही ने, तेरी खातर से मैं खून का आखिरी कटरा बेचन नू तैयार हाँ, पर एक गल मेरी मन उन्हें नहीं सुधरना, जो मर्जी कर लो। अबू जी नहीं तो तुहाडी धी दी तलाक हो जानी है, हुण तुसी तलाक तो बचा सकते हो अपनी धी नू। बेटा मैं क्या ना कि तू ये ना कर,
उन्हें नहीं सीधा आना, सारी जिंदगी उन्हें तेरे को मंगदे ही रहना। हूँ से मैं जीना, मैं दे दवांगा, मैं ना होया तो कितों करेंगे देने दे उसने तलाक। लोग इस काबल नहीं ने कहने वाले नेकी की जाए। आ आ मेरी दी, आराम आराम। नदीम आज मेरा बहुत दिल पै करदा अम्मी होरी वास्ते, ते लैने जांदा मेनू। कंबली आ, मैं महीने तो पिटदा पया। चलिए चलिए चलिए, तू आप जेद पर देख लो, ते मैं नहीं जान। पता मैं रोजाना क्यों नहीं जांदी, हुण एक रोजाना रोजाना जाओ तो पता ही अम्मी मोड़ अम्मी दे दिल वैसी के मेरी धी ओथे औखी गए, तो रोजाना नहीं जवींदा, इस तो मैं कदी कदी जांदी आ। कंबली आ, तेरी मां सोचसी पे नदीम नहीं लेके आवण देंदा, पता नदी मेरी धी ते औखी है, ओ नदीम ही लेके आवंदा, उत्थे ते बेइज्जती तू मेरी आई। नहीं ना एज मैं रोजाना को नहीं जाना, मैं कदी कदी वाग वैसा ना, तू रोजाना उत्थे रोटियां पालन को नहीं मेथों जवींदा, ते नाले मैंने इत्थे सुकून आंदा तेरे नाल को रहंदियां ना, ते मैंने सुकून मिलदा तेरे नाल सारा काम करदियां, पट्ठे वढदियां ते रोटी पका के देंदियां, ते मैंने सुकून आंदा। ते नदीम वेखे ना अबू ते रिम शाम दे पते लिमशा लंगा के क्यों टुरदी पई है। अल्लाह खैर करे। तेरी भैन ने सारी जिंदगी तेरे को छुपाया, इसका खावन बड़ा जुल्म करता है देवते। मैं भी तेरे को चोरी चोरी बड़ा पैसा उन्हें खुआ बैठा, भैन है ना तेरी, तो ना प्यार भी बड़ा कर दी है। मैंने कहती रही है मेरे भरा नदीम ना दसना, मैं के पता सी कि उन्हें कारोबार नहीं करना, वो सारा पैसा जुए थे मुजरिया थे यार दोस्तों नाल शराबा पी के उड़ांदा रहा, हूँ भी मेरे को 5 लाख रुपया मंगना आई है। मैं क्या नहीं, उन्हें सुधरना नहीं, तू वसना नहीं, बहुत औखे डंग कटदी पई है उसे। मैं माफी चाहना तेरे को भी कि चोरी चोरी उन्हें खुआंदा रहा, ऐसा कि जवाई है मेरा, कल एदा कारोबार चमक जाएगा, परसों चमक जाएगा, पर नहीं नहीं वो नहीं सुधरिया। निमशा बहन इतने दर्द इतने दुख चलती रही, इस बिरा दे आने तेरी तक ही नहीं पाई कि तू बिरा नू दसे। निमशा बहन की तू मेरे नाल प्यार कर दी, बहना ते अपने बिरावा ते जान दें दिया ते बिरा भी दें दें, ते तू मैनू दसिया ही नहीं, मेरी प्यारी बहन इतने दुख चलती रही। भाई जान मैं तुहानू किवें दस दी, दस के तुहानू औखा ही करना आना, मैं नहीं दसिया, तुसी परेशान ही होना है ना, पहले मेरा प्यो परेशान है, तू भी परेशान हो जाता, तुहाडी खुशी खराब हो जाती है, तो मैं नहीं चाहती ना। नहीं मेरी भैन एक ही तो तू मेरा भिरा है, मैं तेनू किवें परेशान वेख सकती हाँ, इहो जी गल्लां ना कर, जो मेरी किस्मत है जो मेरी जिंदगी है मैं आप ही बर्दाश्त कर लवांगी, तुसी मेरी वजह तो परेशान ना हो। अच्छा मेरी भैन परेशान ना हो, हक ते तेरा बनता ही, तू बिरान दसियां अगे तो सी जाओ आसी अम्मी होरी कोलो, ते पर हुन तू आ गई है, हुन मैं को नहीं जाना, हुन तेरा सी इलाज कर सैं, ठीक है परेशान ना हो तू। सारा ठीक आंदी पई है भैना, बिरावां ते बोझ कोई नहीं आंदियां। रिमशा तू इथियां रहो, बिल्कुल इथियां रहो, इथियां मेरे को रहना, इसे घर च रहना, जदों गुड्डू दा दिमाग ठीक हो जासी ना मुड़ बाद विकसां मेरी भैन। नहीं पुत्र नहीं, असीं हुण इहनूं गलना ही नहीं, असी तलाक लैनी है। अस्सलामुअलैकुम।
ਬੁੱਢੂ ਗੁੱਡੂ ਆਓ ਨਾ ਬਾਓ ਭਾਈਜਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਨਾ ਗੁੱਡੂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਹਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 420 ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡੂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਵਾਂ ਪਣਵਈਆ ਕਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਓਏ ਜੇ ਜਵਾਈ ਕਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡੂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੋ ਓਏ ਦੋਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਵਾਈ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਵਾਨ ਹੈ ਹਵਾਨ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਤੇ ਦੇਸੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਕਰਸਾਂ ਠਹਿਰ ਜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਜੀ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡੀ ਲਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਸ ਆਏ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ ਝੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗੁੱਡੂ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਸੌ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਵਾ ਬਸ ਕਰਾਂ ਮੱਤੇ ਚੁਰਨਾ ਬਸ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਬਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਬਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ 7 ਪੁਛਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਫੱਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਫੱਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਮਸ਼ਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਾਜੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੋ ਓਏ ਤੂੰ ਵਾਕੀ ਸੱਚੀ ਬੀਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਦਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜੇ ਹੋਣ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅਗਰ ਬੀਵੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਓਏ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਗੁੱਡੂ अस्सलाम वालेकुम जी मैं उर्मिशा हुसैन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे तो जी नाज़रीन कैसी लगी आज की हमारी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी लेकिन ये चीज़ हमने आपको दिखाई ये चीज़ भी कॉमन हो गई है हमारे माशरे में जगह जगह पर आपने ये वाक़ियात सुने भी होंगे देखे भी होंगे माँ बाप जब बेटा यानी कि किसी काम का नहीं रहता ना तो वो यही कहते हैं कि इसकी शादी कर दो
शादी के बाद ये सुधर जाएगा, समझदार हो जाएगा। देखिए जब आपको खुद को पता नहीं है कि उसने शादी के बाद ठीक होना है, जो पहले नहीं हो रहा वो बाद में कैसे ठीक होगा। पहले आप अपने बेटों को इस काबिल बनाएं कि उन्हें कोई आके अपनी बेटी दे। आप उनकी शादी कर देते हैं, आप उनका एहसास नहीं करते जो अपनी बेटी दे देते हैं आपको, उनका क्या बनता है बाद में? वो ऐसी ही जलील होती है जैसे मैं आज, जैसे कि आपको आज मैंने दिखाया कि मैं किस तरह जलील हुई। वो किसी काम का नहीं था मेरा घर वाला, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज किया। लेकिन कोई कोई शोहर ऐसे होते हैं जो राय रास्त पर आ जाते हैं, ये नहीं कि जैसे कि आज आपको दिखाया ऐसा भी हो। कोई कोई ऐसे होते हैं कि बेचारी उनकी बेटियों की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद भी हो जाती है, ज़रूरी नहीं है ये चीज़। समझाने का मकसद यही था कि आप पहले अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं, कारोबार वाला हो, अच्छा कमाने वाला हो, ताकि वो अपनी बीवी को दो टाइम का खाना दे सके, कर कमाने वाला हो। सिर्फ हमारा आपको यही बताने का मकसद था। दूसरा मैं चाहूँगी कि सजाद सर भी आपको कुछ कहें। थैंक यू रिमशा जी। सबसे पहले तो मैं बाटा टीवी का और खालिद महमूद बाटा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक दफ़ा फिर मुझे अपने चैनल के लिए इनवाइट किया और मैं आया हूँ और पूरी टीम के साथ बहुत ही मज़ा आ रहा है। और जैसे मैंने इस प्ले में एक औरत जो जुल्म सह रही है और ऐसी औरत, ऐसी बेटी, ऐसी बहन को मैंने सल्यूट किया इसके रोल को, इसी तरह मैं बाटा टीवी को और जनाब खालिद महमूद भाटा साहब को, पूरी टीम मेरी तरफ से एक सल्यूट पेश करेंगे कि हम उनके मशकूर हैं क्योंकि उन्हीं की काविश है, उन्हीं की सोच होती है, ये स्टोरियाँ उन्हीं की होती हैं। हर रोज़ ना जाने कितनी स्टोरियाँ वो बनाते हैं और हम खुद दंग रह जाते हैं कि हमें खुद नहीं पता हो रहा होता, कभी ये सीन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम सोच रहे होते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा। इसी तरह माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे और इज़्ज़त दे कि जितनी उन्होंने इज़्ज़त कमाई है हम चाहते हैं इससे डबल ट्रिपल अल्लाह पाक उन्हें इज्जत दे। और इसी तरह आपके लिए अच्छे से अच्छे स्टोरी, अच्छे से अच्छा मैसेज, क्यों कि ये सबसे अच्छा टीवी इसलिए है क्योंकि ये घरों में बैठे माएँ बहनें भाई, जो भाई बिगड़ जाते हैं नशे पे लग जाते हैं, जो बहनें बिगड़ जाती हैं, जो बीवियाँ खामन की इज्जत नहीं करती, ऐसे टॉपिक दिखाते हैं ताकि कोई भी इंसान इसका सबक यानी इस सबक से सबक हासिल कर ले, मैसेज पे अगर अमल कर ले तो ये सबसे बड़ी जीत बाटा टीवी की है, खालिद महमूद बाटा साहब की है। और चलते चलते बाटा टीवी पाकिस्तान।